भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक ही नेशन के तीन और तीन से भी कई ज़्यादा नाम हैं। हम लोग इंडिया को इन तीन नामों से तो जानते ही हैं, बट इसके अलावा भी और कुछ कुछ नामों से हम इंडिया को जानते हैं। बट ये सिर्फ हमारी वर्ड्स पर नहीं है, ये यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। बट अब हमारी गवर्नमेंट इसमें क्यों चेंज लाना चाह रही है एंड इसका प्रूफ हमें कैसे मिला है, सो इस वीडियो में आपको एविडेंस के साथ मैं बताऊंगी कि ये जो नोशन चल रहा है अभी कि इंडिया को अब भारत कहा जाएगा ऑफिशियली, उसके पीछे क्या प्रूफ है। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो 9th एंड 10th सितंबर को दिल्ली में जो G20 समिट होने वाला है उसमें वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट लीडर्स आने वाले हैं, एंड उन सब का जो डिनर का इनवाइट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मतलब इससे पहले तक यूज़ किया जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हमारे आर्टिकल 52 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियरली लिखा है कि इंडिया के प्रेसिडेंट को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रेफर किया जाएगा। बट इस इनवाइट के बाद, इस डिनर इनवाइट के बाद बहुत ज़्यादा हमें क्लैरिफिकेशंस मिल रहे हैं, प्रूफ मिल रहे हैं कि जल्द ही एक बिल पास होगा, एक अमेंडमेंट पास होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जहाँ पे इंडिया विल बी कॉल्ड एज भारत। अब अमेंडमेंट क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी गवर्नमेंट को चेंज की नीड लगती है तो वो चेंज उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। अब जब बीजेपी कुछ ऐसा एक्शन उठाएगी, जब ऐसा कुछ बिल पास करेगी, सो अपोजिंग पार्टीज़ का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। सो इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशंस मिलेंगे, बट अभी के लिए तो इस डिनर इनवाइट से हमें गारंटीड प्रूफ मिला है कि इंडिया को अब भारत कहा जाएगा मे बी। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अपने ट्वीट्स में भी उसी इनवाइट के बाद भारत वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है, विच क्लियरली गिव्स अस एविडेंस कि इंडिया माइट बी कॉल्ड एज भारत नाउ। जैसे ही कोई अपडेट मेरे पास आएगी मैं डेफिनेटली आप लोगों तक भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना एंड वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।